हेलो गाइस, तो हम आज एमपीपीएससी के प्री में जो पेपर होने वाला है लोगों का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे आ जाएं फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तब आप लोग कैसे हैं? लिंक भेज दिया व्हाट्सएप पे, आ रहे हैं बच्चे। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे, लाइव डल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लहंगी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? सहरिया, भारिया, बैगा, कोरकू। इसका आंसर है सहरिया, पहला। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, सही मिलान करें, चूज द करेक्ट आंसर, इंग्लिश है, मैच द करेक्ट आंसर। तो ये जाति और जनजाति का मिलान देखना अपन को। तो ये ये सेकेंड नंबर वाले का आंसर आप लोग मिला लीजिए। इसका आंसर है, सेकेंड नंबर वाले का आंसर है बी, ये बी। थर्ड आंसर है, सवनाही किस क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है? सवनाही किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? सवनाही किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? बुंदेलखंड, निमाड़, और तीसरा है बुंदेलखंड मालवा। तो ये है डी करेक्ट आंसर, इसका मालवा, मालवा की है। चौथा आंसर है, जिंदवा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है? पहला मालवा, दूसरा निमाड़, तीसरा बघेलखंड, चौथा बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर है बघेलखंड, यह है बघेलखंड का। अपन पांचवे में आते हैं, सही मैच द करेक्ट, यानी सही जोड़ी मिलाइए। पांचवा है ये शिल्पकला प्रमुख केंद्र, इनके प्रमुख केंद्र क्या है, इनकी आप जोड़ी मिला लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका बी, करेक्ट आंसर इसका बी, ये रहा। छठवें में आते हैं, कृषि पंडित के नाम से प्रसिद्ध लोक साहित्यकार कौन है? फिर से बोलूंगा, कृषि पंडित के नाम से प्रसिद्ध लोक साहित्यकार घाघ, ईसुरी, जगनिक, सिंगाजी। इसका करेक्ट आंसर है ए, भाग। सातवां है, ये कथन है, मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई। इसका दूसरा, इसका उद्देश्य आदिवासी लोक संगीत, लोक कला, लोक नाट्य, लोक साहित्य को संरक्षण प्रदान करना है। तीसरा, यह चौमासा नाम त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसमें सही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ये तीसरा इसका करेक्ट है, यह चौमासा नाम त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। आठवां, निम्न में से कौन सा सम्मान जनजातीय सम्मान नहीं है? ठक्कर बप्पा सम्मान, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान, संत रविदास स्मृति पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई सम्मान। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी, का सही आंसर है सी, संत रविदास स्मृति, ये इसका सही आंसर, संत रविदास स्मृति पुरस्कार। नौवां, मंडरा नृत्य किस जाति समाज से संबंधित है? मंडरा मंडारी नृत्य किस जाति समाज से संबंधित है? घोटलू, आहिर, कुमार, मुड़िया। इसका करेक्ट आंसर है ए, घोटलू, घोटलू संबंधित है। दसवां, ककसार पाटा किस जनजाति का लोक गायन है? तो ये है बी, मुड़िया। जल्दी जल्दी करते हैं,
शांति भाई चेलकने का संबंध है, शांति भाई चेलकने का संबंध है, कर्मा फुफरिया सहरा पड़वानी। तो इसका राइट आंसर है डी, पड़वानी। वही मैच कॉलम, ये लोक गायन और क्षेत्र का मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ये बी नंबर, ये रहा, पढ़ लेना आप लोग। लारू काज पर्व के संबंध में सत्य कथन छाटिए। पहला, यह गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, इसे नारायण देव के सम्मान में मानते हैं। तीसरा, इसमें सुअर की बलि दी जाती है। यानी इनमें से कौन सा सही, अपन को ये करना है। इसका सही आंसर है डी, यानी इसके सारे कथन सत्य हैं। 14 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला, घड़ाल्य अविवाहित युवक। बी, घड़ाल्य अविवाहित युवतियां। तीसरा, नीरजा अविवाहित युवक। चौथा, आखाती अविवाहित युवतियां। इसका सही आंसर है सी, नीरजा अविवाहित युवक। 15 नंबर में आते हैं, जगनिक रचित आल्हा खंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज व्यक्ति कौन है। पहला, जॉर्ज इलियट। बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरा है विसेंट स्मिथ। डी नंबर है अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है विसेंट स्मिथ। ये 16 नंबर, मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार संत सिंगा जी का जन्म स्थान कहाँ है। पहला, खरगोन। दूसरा, बड़वानी। तीसरा, खंडवा। चौथा, धार। इसका करेक्ट आंसर अपना बी, बड़वानी है। 17, कथक के सम्मान परिचालन किस नृत्य की विशेषता है। राई नृत्य, गणगौर नृत्य, भीमराई नृत्य, परधोनी नृत्य। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है सी, भीमराई नृत्य। छाहुर नाट्य के संबंध में असत्य कथन। यह बुंदेलखंड का प्रमुख नाट्य है। यह कृषक व आहिर संस्कृति का प्रदर्शित करता है। तीसरा, यह सामान्य व्यवस्था को जनता के समक्ष प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है अपना ए, यह बुंदेलखंड का प्रमुख नाट्य है। मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला हेतु प्रसिद्ध है। धातु शिल्प, बांस शिल्प, खराद शिल्प, पीतल शिल्प। तो इसका राइट आंसर है सी, खराद शिल्प। मध्य प्रदेश कला के संबंध में मामूलिया क्या है। लोकनाट्य, लोक नृत्य, शिल्पकला, लोक चित्र। इसका राइट आंसर है डी, लोक चित्र। 21, अवंती के महान कवि निम्नलिखित में से थे। भावभूति, बाणभट्ट, कालिदास, जगनिक। इसका राइट आंसर है कालिदास, जिनको आप लोग तो बड़े अच्छे जानते हो, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। 22, साक्षात्कार साहित्य पत्रिका निम्न में से प्रकाशित होती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो ये भोपाल है, अपने इंदौर के नजदीक ही है। मान्य व्याकरण रचयिता कौन है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। सी, ऑप्शन पढ़े दे रहा हूं मैं, महावीर प्रसाद, मुकुटधारी पांडे, कामता प्रसाद गुरु, हरिशंकर परसाई। सी नंबर इसका है कामता प्रसाद गुरु। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, कालिदास भूतिहरी भावभूति एवं बाणभट्ट मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के कवि हैं। कुमा संभवम में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। तीसरा, श्रीकुंठ पद लाछन भावभूति का पूरा नाम था। यशोवर्मन के दरबारी कवि भर्तृहारी थे। इसका राइट आंसर है अपना डी, यशोवर्मन के दरबारी कार्य भर्तृहारी थे। 25, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक कौन है। दुष्यंत कुमार, वेद पास्तोर, शालीन, जहूर बख्श। तो इसका राइट आंसर है डी, जहूर बख्श। ये 26, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के 1917 में हुआ जिले में 1917 में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र विशेष रूप कविताएं ही लिखी। 1930 में गांधी पंचशती रचना लिखी। चौथा, आनाम तुम आते हो, बुझी हुई रस्सी प्रमुख रचनाएं हैं। असत्य कथन अलग कीजिए, यानी इसमें से अपन चारों ऑप्शन में अपन को ढूंढना है कि इनका असत्य कथन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है अपना डी, सभी कथन सत्य, यानी ऑल
आंसर करेक्ट। अपन 27 मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की रचना का मुख्यालय 1983 इंदौर, 1987 भोपाल, 1970 चित्रकूट, 1987 ग्वालियर। इसका राइट आंसर है बी, 1987 भोपाल। ये मैं जता करेक्ट वन इन गिवन कोड यानी सही जोड़ी मिलाना है। इसमें भी रचनाएं और लेखक कवि की कौन किस लेखक की कौन सी रचना है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, सी है, लेखा भी है, आप मिला लेना देख लेना। 29 इनमें से कौन सा विसंगत है, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है अपना डी नंबर, महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा। 30 निम्नलिखित पंक्ति किस कवि की है, कभी मिट जाता लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता है। पहला शिव मंगल सिंह सुमन, शरद जोशी, नंदू दुलारे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन, इनका था ये। 31 31 है अपना। हाँ निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन पर विचार करना है, सत्य को अलग कीजिए यानी सत्य जो कथन है उसको अलग करना है। तो इसका अपना आंसर है यहाँ तक बी है, बी है, इसका अपना आंसर बी है, आप लोग पढ़ लेना, ये रहा बी। 32 ये भी है मैच द करेक्ट, इसका आंसर ए है, अपन को संगीतकार और जो संगीतकार है उस व्यक्ति की पहचान करना है, किस प्रकार के संगीत गाया उसने, तो इसका है अपना ए नंबर ये। अरे यही है। 33 निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना, भूत के पांव पीछे, चांद का मुंह टेढ़ा, कुमकुम, जीव व सवार, झिल्लियां। तो इसका राइट आंसर है अपना सी, कुमकुम, ये रहा। 34 पद्माकर के अलीजाह प्रकाश की रचना किसके दरबार में की थी, पहला रघुनाथ राव, दौलत राव सिंधिया, प्रताप सिंह, यशवंत राव होलकर। इसका राइट आंसर है बी, दौलत राव सिंधिया। 35 परिमल दासों की रचना निम्नलिखित में से किसने की, जगनिक, ईश्वरी, घाघ, सिंगाजी। तो इसका राइट आंसर है जगनिक। 36 असत्य को अलग कीजिए, उपनाम कवि। तो इसका राइट आंसर है ये, उम्बेक। 37 ये मैच करना है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, सी नंबर है, आप लोग पढ़ दीजिएगा। बाल कवि बैरागी का जन्म किस जिले में हुआ, गुना, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। बाल कवि बैराग का जन्म किस जिले में हुआ, तो इसका राइट आंसर है सी, मंदसौर में हुआ। डाकू का बेटा कृति किस रचनाकार की है, हरिकृष्ण देवसरे, अनिल माधव दवे, श्री कृष्ण सरल, कैफ। इसका राइट आंसर है ए, श्री कृष्ण देव सरे। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, माणिक हास्य कवि, माणिक, हाँ माणिक हास्य, माणिक वर्मा हास्य कवि है। दूसरा डॉक्टर अजीत रायजादा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व लेखक हैं। तीसरा नरेंद्र चंचल व्यंग विधा के लिए जाने जाते हैं। सही कथन की पहचान की, तो सही कथन है इसमें अपना राइट आंसर है सी, सभी कथन सत्य हैं इसके जितने लिखे हुए हैं। इंदौर से प्रकाशित नई दुनिया के संपादक रहे हैं, अशोक वाजपेयी, जगदीश चतुर्वेदी, राजेंद्र माथुर, चंद्रसेन विराट। इसका राइट आंसर है सी, राजेंद्र माथुर, पत्रकारिता। 42 राजा चक्रधार किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, नृत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, रंग कर्मी। तो इसका राइट आंसर है नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी उर्दू का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, मुल्ला रामू जी, अतहर ए इस्लाम, बसीर बद्र, महरुमा निस परवेज। तो इसका राइट आंसर है ए, मुल्ला रामू जी। 44 जानी वाकर नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, महमूद अली काजी, बदरुद्दीन जमालुद्दीन, माणिक वर्मा, नरेंद्र चंद्र। तो इसका राइट आंसर है बदरुद्दीन जमालुद्दीन। 45 त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है, कवि, नाटककार, मूर्तिकला, रंगकर्मी, चित्रकला। इसका राइट आंसर है कवि, नाटककार। 46 अश्वमेधित को छाटिए, तो इसका राइट आंसर है सी, भरथारी, गायन, प्रहलाद सिंह टिपाड़िया। ग्वालियर व्यापार मेले का प्रारंभ कराया, रणोजी, माधव राव, जयाजी राव, जीवाजी राव। इसका राइट आंसर है बी, माधव राव प्रथम ने। अश्वमेध को छाटिए, तो इसका राइट आंसर है डी,
असंगत कुछ हटी, इसका राइट आंसर भी डी है, भूरा भाई भारत रत्न मिला। अब ये क्वेश्चन, हाँ असंगत कुछ हटी है, तो इसमें पढ़ लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर डी है। जी, परमाल रासो जगनिक रानी नागफानी की कहानी हरिशंकर पसपाई लापता गंज सरजोशी सही को पहचानना है, इसमें कामायनी एवं पुनर्विचार गजनन माधव मुक्ति बोध, इनमें सही की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर डी है, सभी सोमेज यानी सभी सही है। ये इसमें पहला है, ये तो अपना क्या पढ़ेंगे, ये उसी का है, इंग्लिश में डायरेक्ट। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, आप लोग बताइए 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, ये बी मुरैना में है, कौन कौन गया मुरैना, ये इसमें भी उसी करना है, सबसे कुछ छाटना है, तो इसमें डी नंबर है, वसुदेव गायन राम लक्ष्मण की गाथा लिखी। ये आभासा कुमार गंगोली का संबंध किस विधा से है, आभासा कुमार गंगोली का संबंध किस विधा से है, चित्रकला गायक मूर्तिकार रंगकर्मी, इसका बताइए आप लोग किससे संबंध है इनका, ये आभास कुमार गंगोली का संबंध किस विधा से है, नहीं पता, किसी को नहीं पता, चलिए चलिए क्रांति जी आपको पता था, बी सही है, गायक से संबंध है इनका, सॉरी ये गायक से संबंध है। 55, कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है, निमाड़ पहला है, निमाड़ गणगौर आड़ा खाड़ा डंडा, बी बुंदेलखंड बिरहा कलश ददा, सी बुंदेलखंड काठी मटकी मांडल, डी सभी सुमेलित, यानी सभी सही है, इनमें सभी सही नहीं है, सिर्फ थर्ड नंबर का सही है, बुंदेलखंड काठी मंडली मांडल्या। 56, कौन सा लोक नृत्य असुमेलित यानी कौन सा गलत है, तो डी नंबर इसमें सही है, भावाई सहारिया जनजाति द्वारा, ये वाला गलत है। खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर के बारे में सही कथन कौन सा है, तो खजुराहो के चित्रगुप्त के मंदिर में सही कथन है ए नंबर का, यह मंदिर हिंदू देवता भगवान चित्रगुप्त को समर्पित है। 58, कुशलगढ़ के किले के संबंध में असत्य कथन यानी जो कुशलगढ़ का किला है उसके बारे में यानी गलत अफवाह क्या फैलाई जा रही, तो इसका आंसर डी है, अहिल्याबाई के सेनापति तुकोजी राव को कैद किया था। 59, मंदसौर जिले में पाए गए यशो धर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, सोधनी चिमोलिया मानपुरा अफजलपुर, कहाँ स्थित है बताइए, चलिए ठीक है, इसका है ए यशो धर्म का विजय स्तंभ मंदसौर के जिले सोधनी में स्थित है, यह मालवा राज यशो धर्मन की हूण राजा मिहर कुल पर विजय का प्रतीक है, ये लिखा है, ये प्रतीक है। 60, कोहबार एवं तिलंगा चित्रकला किस अंचल से संबंधित है, बुंदेलखंड बघेलखंड छत्तीसगढ़ निमाड़, तो इसका राइट आंसर है बी बुंदेलखंड। 61, उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती, उपजाऊ काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, मालवा पठार में नर्मदा पठार में सतपुड़ा विस्तार श्रृंखला में रीवा का पठार, तो इसका राइट आंसर है डी रीवा के पठार में उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद बिलाल खात्री उनके लिए जाने जाते हैं, शिल्पकारिता पत्रकारिता गायन कविताएं, तो इसका राइट आंसर है ए शिल्पकारिता के लिए पहचाने जाते हैं मोहम्मद बिलाल। 63, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है, ग्राम विकास योजना समग्र स्वच्छता अभियान ग्राम सुधार योजना ग्राम सफाई योजना, तो इसका राइट आंसर है बी समग्र स्वच्छता अभियान, समग्र स्वच्छता अभियान। मध्य प्रदेश में तिल का उत्पादन किस भाग में होता है, उत्तर पूर्वी भाग उत्तर पश्चिमी भाग उत्तरी भाग, तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग। 65, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य, जो सुमित्रा महाजन है उनके बारे में कौन सा कथन असत्य कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड, श्रीमती सुमित्रा महाजन वर्ष 1984 में पहली बार इंदौर के सांसद से निर्वाचित हुई। 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमित्रा, ये सही विकल्प की चयन करना है, तो इसमें राइट आंसर है ठिठुरता हुआ गणतंत्र शरद जोशी द्वारा लिखी गई है। 67, मध्य प्रदेश का वह साहित्यकार
जिसने वाराणसी से प्रकाशित साहित्य पत्र हंस के लिए कार्य किया। गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ए, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। 68, भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबद्ध ग्रंथ नर्तन सर्वस्वम एवं तातोलिया निधि की रचना किस संगीतकार ने की? उस्ताद आमिर खान, राजा चक्रवर्ती सिंह, राजा भैया पूंछवाले, कुमार गंधर्व। तो इसका राइट आंसर है बी, राजा चक्रधर सिंह। ये बी नंबर, राजा चक्रधर सिंह। 69, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, आप लोग बताएं। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा। राइट आंसर छिंदवाड़ा में है बादल भाई आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, आपका गलत हो गया। ये कौन था? मनीष भैया। सही है आपका, चंद्र भैया। मध्य प्रदेश की कौन सी शिल्पकारिता के शिल्पकार को लिखदारा कहा जाता है? पिथौरा शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला, खराद शिल्पकला, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है पिथौरा शिल्पकला को कहा जाता है। 71, सुबोध सिंधु नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित होता है? नागपुर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा। इसका राइट आंसर है डी, खंडवा। 72, लोक नृत्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? डांडा नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है, गोल्डी नृत्य मुरिया जनजाति का नृत्य है, गौर नृत्य माड़िया जनजाति का नृत्य है, उपरोक्त कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है अपना डी, जनजातियों में लोक प्रत्यय नृत्य डंडाल नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा, गैंडी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा तथा गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये लिखा है। 73, रॉक सेल्टेर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किस पुरातात्विक शास्त्री ने किया? किस पुरातात्विक शास्त्री ने किया? एक सेकेंड, ये रेस कर। हाँ, इस पुरातात्विक शास्त्री ने किया। इसका राइट आंसर है, हाँ, तो ऑप्शन ए, इसके जी आर हंटर, एलेक्सेंडर कनिंगम, रॉबर्ट ब्रूम, वी एस वाणकर। तो इसका राइट आंसर है डी एस, वी एस वाणकर ने किया। ठीक है। 74, मध्य प्रदेश में मूलतः किसानों का त्योहार हरेली किस क्षेत्र में मनाया जाता है? फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मूलतः किसानों का त्योहार हरेली किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ये रहा बुंदेलखंड, अपना बहुत फेमस है। 75, हिंदू संस्कृति के अनुसार नववर्ष कब आरंभ होता है? तो इसका ए आंसर, हिंदू नववर्ष जो है अपना, हिंदू लोग का तो बहुत ही फेवरेट माना जाता है नववर्ष, ये रामनवमी कहते हैं जिसको अपन लोग। तो इसका ऑप्शन है चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथम से, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा से, सी नंबर है वैशाख कृष्ण पक्ष प्रथमा, डी नंबर है वैशाख शुक्ल पक्ष प्रथमा। तो इसका राइट आंसर है सी से माना जाता है, वैशाख कृष्ण पक्ष प्रथमा से माना जाता है अपना हिंदू नववर्ष। हिंदू संस्कृति में नव संवत्सर की शुरुआत कौन से राजा ने की? नव संवत्सर की जो स्थापना थी, जो संवत्सर होता है अपना, भी कौन सा चल रहा है, 400 कुछ चल रहा है, तो किसने शुरुआत की थी इसकी? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, पुष्पभूत वंश के शासक हर्षवर्धन, उज्जैनी के शासक प्रवर सेन। इसका राइट आंसर है बी, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी नव संवत्सर की। मध्य प्रदेश का वह शहर जहां तबलीगी इज्जिमा का आयोजन होता है, बुरहानपुर, उज्जैन, भोपाल, सहारनपुर। इसका राइट आंसर है सी, भोपाल में आयोजन होता है इसका। 78, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मध्य प्रदेश के किस शुरुआत संगीत घराने का सर्वाधिक योगदान रहा? ग्वालियर घराना, इंदौर घराना, मैहर घराना, रायगढ़ घराना। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर घराने का बहुत सहयोग रहा, योगदान रहा। वह संगीतकार जिसे संगीत का कबीर कहा जाता है? उस्ताद आमिर खां, कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व, पंडित कृष्ण राव और पंडित शंकर राव। इसका राइट आंसर है कुमार गंधर्व। ओके। 80, हिंदी साहित्य का पहला नाटक
आनंद रघुनंदन की रचना किसने की, बहुत फेमस है, किसने की बता रहे हो? इसका राइट आंसर है सी, राजा विश्वनाथ सिंह ने इसकी रचना की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हबीब तनवीर द्वारा रचित नहीं है? आगरा बाजार, चरणदास चोर, कामदेव का सपना, काठ महल। इसका राइट आंसर है सी, कामदेव का सपना। 82, बुंदेलखंड का वह लोक नृत्य जिसमें हवा भाव एवं पद संचालन शास्त्रीय संगीत द्वारा पद संचालन शास्त्रीय नृत्य कथकली की भांति होता है। ढमराई नृत्य, कानड़ा कनाड़ा नृत्य, जाबरा नृत्य, सोरा नृत्य। तो इसका राइट आंसर है ए, ढमराई नृत्य होता है। 82, अब 83 अपना ये रहा। हाँ, पंडित ठाकुर, लटोरिया सुनार, गुड नाइट भूरी भैंस, इस लोक नाटक के उदाहरण छाहुर, राई स्वांग, गम्मत, माच। तो इसका राइट आंसर है सी, गम्मत है इसका राइट आंसर उदाहरण। मृत्यु मृत्यु या हत्या हत्या किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर, अटल बिहारी वाजपेयी, द्वारका प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका राइट आंसर है पी, मृत्यु या हत्या अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। ठीक है, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम तो आप लोग जानते होंगे, तो इसका पहला आंसर है विलियम जॉन्स, जामर्ट कवि गेटे, चार्ल्स इलियट, विसेंट स्मिथ। क्या इसका राइट आंसर? कोई ये बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। चलिए, इसका राइट आंसर है सी, चार्ल्स इलियट है इसका राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम तो जो कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है, अपन लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, इसको इंग्लिश में अनुवाद यानी ट्रांसलेट चार्ल्स इलियट ने किया है। पढ़ लीजिए अच्छे से, ये लिखा है संस्कृत महाकवि कालिदास के प्रमुख, संस्कृत कवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जॉन्स ने किया। विलियम जॉन्स सी है राइट आंसर। अच्छा, गलत टाइप है, सी है राइट आंसर, रिसेंट। विलियम जॉन्स सही है, चलो सही है। 86, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा किला सही सुमेलित नहीं है? रघौड़ का किला राजा लाल सिंह, संबलगढ़ का किला गोपाल सिंह, मैहर का किला बघेल राजा रामचंद्र, सागर का किला राजा उदान सा। तो इसका राइट आंसर है मैहर फोर्ट इज बिल्ट बाय राजा। इसका राइट आंसर है मैहर का किला, बघेल राजा रामचंद्र, ये है सही आंसर, ये सी नंबर अपना ये रहा। 87, मध्य प्रदेश में कमलापति महल कहाँ स्थित है? भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, विदिशा। भोपाल ही में अभी नाम भी रख गया है कमलापति स्टेशन, हबीबगंज था जो पहले, बहुत अच्छे स्टेशन बना है यार पूर्णिया से। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ घड़ाल पर्व मनाया जाता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निवाड़। तो इसका राइट आंसर है ए, बुंदेलखंड में मनाया जाता है घड़ाल पर्व। बघेलखंड का वह लोक गायन जिसमें मोर ध्वज एवं राजकर्ण की कथाओं का गायन होता है? बांस गीत, विरह गायन, विदेशिया गायन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ये ए, बांस गीत। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है? इंदौर, पुणे, भिंड, उज्जैन। तो सबको तो पता होगा इसका, है ना, जहां तक सभी को पता होगा इसका। भिंड, बहुत सही। 91, संत सिंगाजी का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, आघन पूर्णिमा, मार्ग शीर्ष पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर है बी, आश्विन पूर्णिमा को लगता है। 92, मध्य प्रदेश के किस लोक कवि ने कबीर की तरह साखिया लिखी है? इसका राइट आंसर है सी, संत सिंगाजी ने लिखी है साखिया। ये यूजिंग अ कोड्स गिवन बाय ब्लॉक, इनका कोड लिखना है किला दुर्ग महल किसका था, तो ये आप पढ़ लेना। इसका राइट आंसर है
डी बी नंबर है इसका राइट आंसर, ये रहा बी है, आप लोग पढ़ लेना समझ लेना, पीडीएफ डल जाएगा बाद में। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्था स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, कटनी। तो इसका राइट आंसर है बी, ग्वालियर में स्थित है भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। 95। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में असत्य, यानी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में क्या बात गलत कही गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी पंचशती नामक महाकाव्य की रचना की, ये बात उनके बारे में गलत कही गई है, गलत। 96। मध्य प्रदेश का वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसने मेहर बैंड की स्थापना की, उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद रहमत अली खां। तो इसका राइट आंसर है सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये है इसका राइट आंसर। 97। सांची के बारे में सत्य है, सांची के बारे में वो बताना जो सत्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 1828 में जनरल टेलर ने खोज की इसकी, सांची की, इस बूथ जो है, इस बूथ की नहीं, सांची की। बाकी गुफाओं के बारे में असत्य कथन, जो बाकी गुफाओं हैं उनके बारे में क्या असत्य कथन कहा गया? तो इसका राइट आंसर है सी है, बाकी गुफाएं धार जिले के, बाकी गुफाएं धार जिले के विंध्य पर्वत की ढलान पर बाघनी नंद के बाएं तट पर स्थित है, ये बात गलत कही है, सी नंबर सही है। 99। दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख है? रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है महाभारत। 100। मंदसौर अभिलेख के संबंध में असत्य है, रचना वत्स भट्टी ने की थी वो, मंदसौर अभिलेख के संबंध में असत्य, इसके बारे में क्या असत्य कहा गया? तो इसका राइट आंसर है सी, राजा को शरदकालीन सूर्य की तरह कहा गया है। चलिए आज के 100 क्वेश्चन पूरे अपने, अब अपन कल से ऐसी 5-6 क्लास लेंगे, उसके लिए आप लोग आते रहे लाइन में, तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में जो होने वाला है 19 को है यहां तक, ठीक है? कल से मिलेंगे अपन 4-5 टाइम मिलेंगे, यानी 4-5 घंटे, 100 100 क्वेश्चन, नहीं 500 क्वेश्चन। ओके चलिए ठीक है, कल से मिलते हैं अपन।